हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वनिता गाजान। आज मैं आई हूँ सूरज कुंड मेला, जो कि फरीदाबाद में लगा हुआ है। इस मेले में मेरा थर्ड ट्रिप है। आज है मंडे यानी 6 फरवरी। ये मेला 3 फरवरी से लेकर 19 फरवरी तक लगेगा और सूरज कुंड से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मैंने लास्ट की 2 वीडियोज में दी गई हैं, जैसे कि टाइमिंग, टिकट बुकिंग, टिकट प्राइस, बस फैसिलिटीज, थीम क्या है, नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन क्या है। यहाँ पर 7 बजे के बाद इवेंट्स होते हैं, लाइव परफॉर्मेंसेस होती हैं। क्या आप जानते हैं इस मेले में जो इवेंट होगा इसमें परफॉर्म करने के लिए प्रांजल दहिया आ रही हैं और मीका सिंह आ रहे हैं। ये कब आएंगे, किस डेट पर आएंगे, मैं आपको आगे बताऊंगी। वीडियो में बने रहिएगा। आज की इस वीडियो में मैं आपको सूरज कुंड मेले का फुल टूर कराऊंगी, वो भी पूरी डिटेल के साथ। यहाँ पर मैं आपको स्टॉल नंबर भी बताऊंगी, वहाँ पर क्या क्या बिक रहे हैं, और वहाँ पर आपको प्राइजेस भी बताऊंगी किस रेट पर मिलेंगे। ये जगह घूमने फिरने, शॉपिंग करने और यहाँ तक के कई तरह के बिजनेस आइडियाज भी आपको मिलेंगे। यहाँ पर भारत तो अपने कल्चर को, अपने खान पान को और अपने रहन सहन को सब कुछ दिखा रहे हैं, मगर जो बाहर कंट्री से आए हुए हैं वो भी अपना ड्रेसअप, अपना खान पान और अपना डांस, अपना कल्चर सब कुछ दिखा रहे हैं। यहाँ पर जगह जगह पर सेल्फी कॉर्नर बनाए गए हैं, आप फोटो क्लिक कराइए, एंजॉय कीजिए, डांस कीजिए, खाना पीना कीजिए और बहुत सारी यादें अपने साथ लेकर जाइए। 7 बजे के बाद जो भी इवेंट होंगे उनकी पूरी डिटेल मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखी है, आप वहां से चेक कर सकते हैं। 8 फरवरी को मीका सिंह आने वाले हैं, आप जाइए और उनकी परफॉर्मेंस को एंजॉय कीजिए। ये देखिए, नेक्स्ट स्टॉल पर हम आ गए हैं, 1009। इनके पास दुपट्टे मिल जाएंगे, फुल लेंथ सूट मिल जाएगा, कलर वैरायटी भी बहुत सारी मिल जाएंगी आपको यहाँ पर। क्या प्राइस होगा उसका? 1500 रुपये। ये देखिए, नेक्स्ट हम आ गए हैं 1013 स्टॉल पर। सर, आपके पास क्या क्या है? ओके सर, एक दो सैंपल्स दिखा दीजिए मुझे। सर कहाँ से? खेखड़ा बागपत, यूपी। ओके, सर स्टफ कौन सा है, कपड़ा कौन सा है? खादी कॉटन है। कितने का है ये? 750। ओके, और हाँ डबल की, एक डबल की दिखा दीजिए। और सर इसकी कॉस्ट क्या होगी? 700। और आपने सिंगल का क्या प्राइस बताया? सिंगल 400 रुपए। आपने 700 बताया था ना, तो इसीलिए वो थोड़ा कंफ्यूजन हो गया। कोई बात नहीं। अच्छा, आप मुझे इसके ना थोड़े से कलर दिखा दीजिए, कलर वैरायटीज क्या है, प्रिंट क्या है। ओके, आगे जाते तो यहाँ पर कारपेट मिल जाते हैं, हर साइज में कारपेट मिलेंगे आपको। सर क्या प्राइस होगा इसका? 4000। क्या कितनी लेंथ होगी इसकी? 6x8। और ये वाला? 3000। और ये स्मॉल साइज में जो 3 साइज है, ये 2000 का। सर बार्गेनिंग है या? अच्छा, बार्गेनिंग हो जाएगी। ओके, मतलब बार्गेनिंग हो सकती है, चांसेस है। ओके, थैंक यू। ये देखिए, नेक्स्ट हम आ गए हैं 1030 स्टॉल नंबर पर। देखिए, ब्रास के ग्लास भी है, जग है, बहुत सारी वैरायटीज हैं।
ये वाला ग्लास देखिए, पहले सबके पास होता था, आपकी दादी नानी के पास जरूर होगा। क्या कॉस्ट होगी भैया सर की? 300 रुपये। और दिस वन 500 रुपये। सर ये प्रेस है? क्या कॉस्ट होगी इसकी? 200 रुपये। बहुत ही प्यारी है। देखिए नेक्स्ट हम आ गए हैं स्टॉल नंबर 1032 पर। यहाँ पर भी बहुत सारे डेकोरेटिव आइटम हैं, बेल हैं, प्रेस मिल जाएगी, स्पून है, ये देखिए कपड़े। डेकोरेशन के लिए बहुत सारे आइटम्स हैं, आप आइए और एक्सप्लोर कीजिए। नेक्स्ट हम आ गए हैं स्टॉल नंबर 1039 पर। ये देखिए इनके पास नए डिज़ाइन के मिट्टी वाले बर्तन हैं और बाहर से डिज़ाइनिंग बहुत अच्छी है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि बैक टू विलेज कॉन्सेप्ट दोबारा से चल रहा है। ये देखिए, और अब हम इनसे बात करते हैं, पूछते हैं इनके पास क्या क्या है। सर एक ग्लास क्या कॉस्ट होगी इसकी? 60 रुपये का पीस। कोई सा भी ले लो। और ये वाली हांडी? ये 350 की। मिट्टी है सेरेमिक है? मिट्टी की है। मिट्टी है, मैंने सोचा सेरेमिक है तो, सॉरी मैंने सोचा कि ये सेरेमिक के बर्तन हैं मगर ये तो मिट्टी के हैं। और वैसे जैसे आपको पता ही है कि बैक टू विलेज सब वही कर रहे हैं, इस चीज़ को फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं, सब चाहते हैं कि मतलब बीमारियों से बचे रहें, जैसे कि आजकल बीमारियां बहुत बढ़ रही हैं तो सब लोगों को लगता है कि मिट्टी के बर्तन में बनाते खाना हम अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं। ये कुकर के कॉस्ट क्या होगी? 1200 रुपये का है। गैस पे, चूल्हे पे, माइक्रोवेव पे चलेगा? ये न्यू कॉन्सेप्ट था, मुझे तो ऐसा लगा कि माइक्रोवेव पर तो मतलब ही नहीं है। ओके, और जो ये पतीला है 700 रुपये का, तो इसके साथ में आप ढक्कन भी दोगे? तो फ्रेंड्स आप आइए और एक्सप्लोर कीजिए। जैसा कि मैंने आपको बताया, इनका स्टॉल नंबर दोबारा बता देती हूँ, 1039 है। ये देखिए नेक्स्ट हम आ गए हैं स्टॉल नंबर 1036। मैं इनके प्रोडक्ट दिखा देती हूँ। तो देखिए स्टॉल नंबर 1036 पर, यहाँ पर भी मिट्टी के बर्तन हैं, कप है, बहुत सारे आइटम्स हैं जिसको आप अपने शोकेस में सजाइए। मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ क्या क्या है इनके पास। डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइन के गुल्लक भी हैं इनके पास। ये देखिए छोटी छोटी कटोरियाँ हैं, बहुत ही डिज़ाइन। नेक्स्ट हम आ गए हैं स्टॉल नंबर 1035 पर। सर ये वाली विसल जो है बहुत ट्रेंडिंग में चल रही है, ये बहुत ज़्यादा, कहीं पे मार्केट में जाओ या कुछ भी है, ओनली हैंडीक्राफ्ट मार्केट जो होती है ना वहाँ। यहाँ पर आपको डेकोरेटिव आइटम मिल जाएंगे, जो भैया विसल बजा रहे हैं वो विसल मिल जाएगी, वो भी मिट्टी से बनी हुई है। ये देखिए फ्लावर वास देखिए, और बुद्धा जी की मूर्ति देखिए, बहुत ही प्यारी मूर्ति है। और आप तुलसी जी का प्लांट लगाने के लिए अगर गमला देख रहे हैं तो वो भी मिल जाएगा, बहुत ही ब्यूटीफुली डेकोरेटेड है। आप आइए और यहाँ से लेकर जाइए।
सर आप बताइए विसल क्या प्राइस है इसका? 50 रुपीज़ है। कुकर का प्राइस क्या होगा? 1200 रुपये। और ये कढ़ाई? 650 रुपये। और ये चीज़ क्या है, ये आगे जो लगे हुए हैं? ये वास ही है अपने, ये कप है अपने, ग्लास। ओके। ये बोतल है। मतलब किसी पर्पज से भी यूज कर सकते हो आप, या इसमें फ्लास्क लगाइए, वास बनाइए, या फिर वाटर बॉटल बना लीजिए। ये देखिए स्टॉल नंबर 1056 पर आ गए हैं। यहाँ पर कारपेट मिल जाएंगे। ये देखिए डोर मैट्स भी हैं, डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन्स के हैं। वॉल हैंगिंग भी है। ये रैबिट वाला जो है डोरमेट कितने का है? 2000 का। और ये वाला टाइगर वाला 1500। और बड़ा वाला ये 2500। और जो ये पैर बने हुए हैं ये 400 का है। तो चलिए अब नेक्स्ट स्टॉल पे आ जाते हैं। यहाँ पर बहुत ही प्यारी ज्वेलरी है जो कि धान से बनी हुई है। धान जो चावल होता है, चावल की बनी हुई ये ज्वेलरी है। और आप वीडियो में जब देख रहे होंगे तो इस तरीके से पता नहीं चल पा रही हो, लाइव में देखोगे बहुत ही प्यारी ज्वेलरी है, बहुत ही सुंदर। इनकी हाथ की कला को तो एप्रिसिएशन तो बनता ही है। बहुत ही प्यारे प्यारे डिजाइन्स बनाए हुए हैं। बीच बीच में यहाँ पर आपको ड्रिंकिंग वाटर मिल जाएगा, इस तरीके से आपको रिफ्रेशमेंट के लिए कुछ भी मिल जाएगा। भेलपूड़ी खा सकते हो, कुल्फी ले सकते हो, कॉफ़ी पी सकते हो, सिकंजी है। ये देखिए स्टॉल नंबर 1085 है, खादी ग्राम उद्योग बोर्ड। और यहाँ पर चूड़ियाँ बन भी रही हैं, मैं आपको सैंपल दिखाऊंगी किस तरीके से बन रही है। ये देखिए भैया चूड़ी बना रहे हैं, मैं आपको सैंपल दिखाती हूँ किस तरीके से बन रही है। आप ये यहाँ पर किसी भी कलर का बनवा सकते हैं अपनी चॉइस का, और डिज़ाइनिंग जो होती है तो हम अपने अगर अपने चॉइस से बनवाएं तो वो भी हो जाता है। अगर आपको कैसे बनती है चूड़ियाँ? जी मैम, चूड़ियाँ लाहा से बनती है। इस कलर का बोलिएगा उस कलर का चूड़ी बन जाएगा। ओके। जैसे डिज़ाइन बोलिएगा वैसे डिज़ाइन बन जाएगा। और 50 रुपये जोड़ी देगा। 50 रुपये जोड़ी। ये जो कलरफुल ये लाख है ये सब लाहा से बनी है। ओके। और जो ये सिलेंडर शेप में रखा हुआ है ये क्या चीज़ है? लाख। ओके। मगर ये है कि इसमें कलर मिलाया हुआ है। हाँ, कलर मिला हुआ है, इसमें पाउडर मिला हुआ है। ये इनर लेयर जो अंदर की लेयर होती है वो ये है। हाँ, जी। उसको रेडी करने में 20 मिनट लगता है। एक चूड़ी को डिजाइन करने में? दो से तीन मिनट। मतलब टोटल कितना टाइम लगता है चूड़ी? हाँ जी, एक जोड़ी कंप्लीट होने में 5 मिनट लगते हैं। 5 मिनट लगते हैं। तो कस्टमर 5 मिनट तक वेट कर सकता है आपके पास? कोई इट्स नॉट अ बिग डील, बहुत बड़ी बात नहीं है ये। 5 मिनट के लिए तो वैसे भी खड़े हो सकते हैं। सिस्टम को ये आपने अभी
अभी बनाए हैं ये? क्या प्राइस होगा भैया इसका? 50 रुपये का पेयर। इस पेयर का क्या होगा रेड वाले का? इसका 200 और प्योर एकदम टूटेगी। ओके 200 रुपीज। और इस वाले का? वो भी 200। अभी जैसे अब आप मुझे दिखाइए थोड़ा डिफरेंट डिफरेंट। जैसे हमने अभी निकाला है जैसे बटन। हाँ जी। शादी में ये हमारे झारखंड का स्पेशल दुल्हन सी। ये वाला कितने का है? 300 का। ओके। हमारे यहाँ जितनी भी चूड़ियाँ मिलती हैं देखिए साड़ी में। ये कितने का है? 800 का। और इसका इसकी क्या उसकी होगी? 300। ये देखिए वॉल हैंगिंग, क्या प्राइस होगा इसका वॉल हैंगिंग का? 150। बहुत रीजनेबल प्राइस है। इसमें से कोई से भी कलर के आप लीजिए और 150 रुपीज लीजिए सिर्फ। कल्चर को बता रहे हैं कि किस तरह से अपने हमारे हरियाणा में मतलब खुशी मनाई जाती है, किस तरह से वो गीत गाए जाते हैं। ये देखिए नेक्स्ट हम आ गए हैं स्टॉल नंबर 1084 पर। यहाँ पर आपको स्टॉल दुपट्टा सूट साड़ी सब कुछ मिलेगा। ये झारखंड का स्टॉल है। मैम आपके हाथ में जो है ये क्या है? ये कांजीवरम साड़ी। क्या कॉस्ट होगी इसकी? 25,900। ओके स्टॉल्स दिखाना, आप मुझे एक एक पीसेस दिखा दीजिए जिससे थोड़ा सा आइडिया लग जाए आपके पास क्या क्या है और क्या कॉस्ट है। ओके ये 1000 का है और इसके कलर्स ये हैं। ये देखिए अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ से ले सकते हैं। मैं आप डिस्काउंट लगा के आपको 800 का पड़ेगा। ये 20% डिस्काउंट दे रहे हैं आपको। ये देखिए मैं आपको पास से दिखा देती हूँ, ये इसके कलर्स हैं। और नेक्स्ट मैम ये मधुबनी स्टाइल, ये 1250 का है, ये आपको 960 का पड़ेगा। ये 1250 का है और आपको 960 का पड़ेगा। और इसके जो कलर्स हैं मैं आपको दिखा देती हूँ, बाकी प्लेन है। ये देखिए तीन कलर्स मिल जाएंगे इसमें और बाकी ये प्लेन है। ये और मैम दिस वन ये बहुत प्यारा लग रहा है। ये टसर के ऊपर है। ओके ये टसर पे है, पैच वर्क में है, कलमकारी का पैच है। कलमकारी का पैच। मैम कॉस्ट क्या होगी इसकी? 1500 का। बहुत प्यारा पीस है मैम। मैम इसमें कलर भी होंगे कोई? ये सारे कलर। मैंने आपको एक पीस दिखा दिया है खुलवा कर, आप अगर चाहते हो लेना तो आप देखिए कलर देख लीजिए। मैम और कुछ आपके पास? प्लेन दुपट्टे। क्या कॉस्ट होगी इसकी? ये 1800 रुपये का है, ये भी 1800 रुपये का है। बाकी प्रिंटेड स्टोल्स मिल जाएंगे आपको 1250 का। प्रिंटेड स्टॉल 1250 की रेंज में मिल जाएंगे। ये सेकंड नंबर पर जो है ऑरेंज कलर की साड़ी, इसकी क्या रेंज होगी? ये 5000 की है। 5000 एंड क्रीम एंड लाइट ब्लू वो
वाली फिरोजी वाली आपकी है 7000 की है, 5600 की। थैंक यू मैम। ये देखिए यहाँ पर ब्लेजर मिल जाएंगे आपको, सर क्या कॉस्ट होगी इसकी? 1500 रुपये की। ओके सर, आपके पास बार्गेनिंग भी हो जाएगी या फिक्स प्राइस है? 20% लेस करके देंगे। ओके, कोई भी आइटम है जैसे ये 2500 की, ये पड़ेगी 2000। ओके, स्टफ कौन सा है आपका? और ये ऑरेंज वाली, ये देखिए नेक्स्ट हम आ गए हैं स्टॉल नंबर 1083 पर। यहाँ पर आपको स्टफ मिल जाएगा, अगर आपको कुर्ते चाहिए तो आपको यहाँ कुर्ते भी मिल जाएंगे। कितने रुपए मीटर मिलेगा ये वाला? सब अलग अलग प्राइस है मैम। थोड़ा सा एक आइडिया दोगे? थोड़ा सा हैंडमेड पर्स है। हाँ जी। क्या कॉस्ट होगी इसकी मैम? ये 575 की है। देने वाले रेट क्या होंगे मैम? ये गवर्नमेंट शॉप है, हम ओके रेडीमेड्स पे डिस्काउंट इसमें नहीं है, पर्स पे, बाकी इसमें आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा। MRP पे 20%। ओके मैम, दिस वन ये 750 रुपये मीटर है मैम। स्टफ कौन सा है मैम? ये सिल्क है मैम, मटका सिल्क। मटका सिल्क है। हाँ जी। ओके, जेंट्स शर्ट्स के लिए भी होगा मटका सिल्क मैम? जेंट्स लेडीज दोनों बनवा सकते हैं। ओके, ये देखिए घीचा सिल्क है, और इसका प्राइस क्या होगा? जैसे मैम ये वाला ये शायद 1250 रुपये मीटर है मैम। 1250 इसमें भी आपको 20%। ओके, आपके पास रेडीमेड कुर्ते भी मिलेंगे? यस मैम, मिल जाएंगे। क्या कॉस्ट होगी स्टार्टिंग फ्रॉम मैम? अलग अलग प्राइस है, और ट्रिपल नाइन से स्टार्ट है। जेंट्स कुर्ते 999, बाकी लेडीज भी है 1250। 1250 से लेडीज कुर्ते। ओके, थैंक यू मैम। ये देखिए नेक्स्ट हम आ गए हैं स्टॉल नंबर 1053 पर। ये देखिए यहाँ पर सिल्वर ज्वेलरी है, इस कड़े का प्राइस क्या होगा? 750। ये पैरों में पहनने वाले कड़ूले हैं, और इसका 550 का पेयर है। ये देखिए इसमें कड़े भी हैं, और पैर में पहनने वाले कड़ूले भी हैं। और इसकी कॉस्ट क्या होगी? 350 का। ओके, ये देखिए बहुत ही प्यारे प्यारे रिंग्स हैं। ये रिंग की कॉस्ट क्या है? 80 रुपये। कोई सी भी रिंग लो, 50 आप यहाँ से कोई सी भी रिंग लीजिए तो ये 50 रुपीज की लग रही है। ये देखिए इतने बहुत ही प्यारे प्रोडक्ट हैं, जो कि इमिटेट्स ऑफ हरियाणा प्रिजन्स ने बनाए हैं। ये सारे लकड़ी से बनाए गए हैं। ये देखिए फ्लावर पॉट है,
जो कि हिसार की जेल में बनाया है। ₹1500 फ्रेंट है इसका। हरियाणा की जेल में जो कैदी हैं उनके पास भी हुनर की कमी नहीं होती, बस टाइम खराब होता है तो कुछ क्राइम हो जाते हैं, कुछ गलतियां हो जाती हैं, मगर उसके बाद में उनको ये सब चीज़ सिखाई जाती है, क्या टैलेंट है उसको किस तरीके से उभारना है, सारे कोर्सेज कराए जाते हैं। हेलो सर, सर ये मतलब हरियाणा में जो जेल में जो कैदी हैं उन्होंने बनाया है ये? हाँ जी, हाँ जी, हरियाणा के अंदर जेल के अंदर जो बंदी बंद है, हाँ जी, उन्होंने बनाया है, उनकी हाथ की कारीगरी है सर। सर आपके जो मतलब हरियाणा के अंदर देखो कैदियों में कितना टैलेंट है, बिल्कुल बिल्कुल, वो सर देखने को मिल रहा है कि दिखाई दे रहा है। सर आपने उन जो कैदियों को ये ट्रेनिंग दी है उसके बाद में है या उनके पास हुनर? हाँ ये पहले से। देखिए हरियाणा गवर्नमेंट और जो हमारे डीजी सर हैं वो इस चीज़ के उसमें है कि जेल पर कोई बंदी आता है वो 5 साल 10 साल जेल पर निकलता है तो वो सोसाइटी से कट जाता है, तो उसको कुछ ना कुछ हुनर ऐसा सिखाया जाए कि वो वहाँ से जेल से निकलने के बाद सोसाइटी में वापस अपनी जगह पे जाए और अपने बच्चों का अपने फैमिली का जो है घर पालन पोषण कर सके, दोबारा से सर्वाइव करना सीख जाए। सर्वाइव कर रहे क्योंकि अमूमन एक हमारे सोसाइटी में टैग है कि अगर कोई क्रिमिनल है या किसी से कोई क्राइम हो गया है तो उसको वापस सोसाइटी में जो है रोजगार देना या उसको नौकरी देना जॉब देना वो ठीक नहीं समझते, तो वो इस तरीके के काम सीख कर और अपना जो है ना घर वालों का फैमिली का पालन पोषण कर सकता है। इसके लिए अलग अलग कोचिंग ट्रेनिंग सेंटर्स चलाए जाते हैं लोहे के काम के लिए। सर वो ट्रेनिंग जो होती है वो जेल के अंदर ही होती है? जेल के अंदर ही होती है, डेली उनकी 2 घंटे की 1 घंटे की क्लास लगती है। बकायदा उनको सर्टिफिकेट प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि उस सर्टिफिकेट को दिखाकर वो कहीं बाहर जाकर जॉब अगर ले सकता है तो जॉब ले। और सर जो इनके बने हुए प्रोडक्ट हैं उन्हें सेल आउट होने के बाद में आप उनको जो इनका पेमेंट आएगी वो इन्हीं को देते हो या? देखिए ऐसा है कि जो हरियाणा गवर्नमेंट ने सभी उनको जो है कन्विक्स को वेजेस अलाउड कर रखी हैं कि वो अपने पर डे 100 रुपीज़ जो वेजेस हैं उनको मिलेगी, और इसके अलावा यहाँ से जो सेल आउट होगा उसका प्रॉफिट का जो पैसा है 50% वो उन्हीं के वेलफेयर में यूज़ होगा। उसके लिए अगर हमें जेल में किसी भी तरीके की कोई भी फैसिलिटी की ज़रूरत है और बंदियों के लिए जैसे आरओ सिस्टम है और अलग से कोई गार्डनिंग वगैरह है या कोई भी इक्विपमेंट वगैरह है तो वो परचेज किए जाएंगे ताकि वो अपने हुनर को और निखार सकें। ओके ओके, थैंक यू सर, नाइस टू मीट यू सर। ये देखिए इनके पास बहुत ही प्यारा है, क्या चीज़ है, क्या है ये? टेबल रनर है। क्या कॉस्ट होगी इसकी? 950। और ये छोटा वाला जो है 150। कहाँ से हो आप? गुजरात से। ये देखिए इन्होंने गुजरात के प्रोडक्ट ला रखे हैं, रनर है, कुशन कवर है। अगर आप चाहते हैं इनको लेना तो आप आइए और इनसे प्रोडक्ट खरीदिए। देखिए नेक्स्ट हम आ गए हैं स्टॉल नंबर 745 पर, इनके पास हैंडमेड प्रोडक्ट है। ये देखिए रथ कितना प्यारा बना हुआ है, हैंडमेड पर्स देखिए और नेस्ट। ये वाली वॉल हैंगिंग कितनी प्यारी है, बहुत ही प्यारी वॉल हैंगिंग है। सर इसकी कॉस्ट क्या होगी? 350। और ये टॉप लेयर जो है टॉप वाली ये प्यार है 800 रुपये। 800 रुपये। और ये छोटे वाले जो नेस्ट है? छोटे वाली है 100 रुपीज़। सर इसका क्या प्राइस है? 15,000। कितने? 15,000। सर कहाँ का प्रोडक्ट है, कहाँ से आए हो आप? बंगाल से। ये टोटली हैंडमेड है पूरा?
नेक्स्ट हम आ गए हैं स्टॉल नंबर 740। ये देखिए हाथ से बनी हुई पेंटिंग्स हैं, वॉल हैंगिंग्स हैं, पेंटिंग तो नहीं कहेंगे इसको, थ्रेड से बनाया हुआ है। भैया क्या कॉस्ट होगी इस वाले की? कितने का? 1200 रुपए। कितने से स्टार्ट है? अच्छा छोटा वाला 300 रुपये है और उससे मीडियम साइज का 450 रुपये। ओके थैंक यू। तो देखिए सामने हम आते हैं तो बहुत ही प्यारे जूट से बने हुए प्रोडक्ट हैं। भैया सामने बना भी रहे हैं। भैया ये किस काम आते हैं ये वाले? पक्षियों के लिए, पक्षियों के लिए दाना देना हो। यहाँ दाना, यहाँ अंदर बैठेगी ये इस पर और ऊपर पानी। ये देखिए यहाँ पर टॉयलेट फैसिलिटीज भी है, लेडीज जेंट्स और डिफरेंटली एबल पीपल हैं उनके लिए भी है। ये देखिए स्टॉल नंबर 954, बहुत ही प्यारे डेकोरेटिव आइटम हैं, बहुत ही कलरफुल बाउल्स हैं, प्लेट्स हैं। स्टॉल नंबर 955। पर मैं आ गई हूँ 245 जो कि मेघालय का है। मैं आपको दिखाती हूँ फ्लावर्स की वैरायटी। ये मणिपुर का स्टॉल है, यहाँ पर हैंडमेड प्रोडक्ट है, बहुत प्यारे प्यारे हैं। सर इसकी कॉस्ट क्या होगी? कितने का? 1100। और ये वाला 450। आ गए नागालैंड के स्टॉल पर जो कि स्टॉल नंबर है 253। मैं आपको शाम का व्यू दिखाती हूँ। शाम को तो और ही प्यारा नज़ारा होता है। ये देखिए बहुत ही अच्छी वाइब्स आती हैं, आप देख भी रहे हो। अब मैं नेक्स्ट स्टॉल पर आ गई हूँ जहाँ पर मिट्टी से बने हुए बहुत ही प्यारे प्यारे आइटम्स हैं। तो चलिए इनके रेट पता करते हैं कितने के होंगे। ये सारे मिट्टी से बने हुए हैं,
ग्रीन वाला कितने का है? 3000 रुपये फाउंटेन है। और बुद्धा जी की मूर्ति? बुद्धा की 6500। और ये कॉर्नर वाली है? ये पेयर रहेगा 4500 का, 5 पीस। अच्छा 5 पीस का पेयर है, मतलब एक पास भी है। ये देखिए हम आ गए स्टॉल नंबर 534 में। ये कौन से मेटल से बने हुए हैं? ब्रास में। सर इसकी कॉस्ट क्या होगी? 600 की। और ये वाली लालटेन 2500। ये भी वॉल हैंगिंग है, इसका क्या प्राइस है? 600। कहाँ से आए हो? छत्तीसगढ़। ये मैम क्या है आपका? ये गोंड पेंटिंग, आदिवासी पेंटिंग। आदिवासी पेंटिंग है जी। ये वॉल हैंगिंग में काम आएगी जी? नहीं, ये वॉल के ही लिए हैं। अच्छा, तो ये स्टेजर करके लगाना पड़ता है। अच्छा। और ये पेपर है मैडम, हेलमेट पेपर। ओके, इसको मतलब फ्रेमिंग करा के फिर अपने आप जी। अच्छा, आप तो विदाउट फ्रेमिंग दोगे ना जी? तो कितने का ये वाला? ये 1200 की मैडम। कोई सी भी जी? नहीं, ये सबका अलग अलग होगा प्राइस। इस वाले का 1200 रुपये जी। कहाँ से आना हुआ? भोपाल से मैडम। थैंक यू। ये देखिए हम स्टॉल नंबर 535 पर आ गए हैं। हेलो मैम, मैम कहाँ से आना हुआ? मणिपुर। ओके, ये आपके पास स्टॉल्स हैं और क्या क्या है? बच्चों के भी दिख रहे हैं मुझे, बच्चों के स्वेटर्स वगैरह। पंचू है ना? हाँ जी, पोचू है। क्या प्राइस होंगे पोचू के? 500 रुपीज। ओके, और ये रेड कलर में जो है ये क्या है? शॉल है बड़ा वाला। ओके, जो फुल साइज होता है। कितने का? 2000। ये देखिए नेक्स्ट हम आ गया स्टॉल नंबर 708 पर। यहाँ पर मोजरी मिल जाएंगी डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की। भैया क्या कॉस्ट होगी इसकी? 600। और ये पिंक वाली? एक ये सारा 600। और ये वाली? ये वाली 700। और अगर बार्गेनिंग हो चांसेस है? पूरे पक्के चांसेस है। और ये वाले? हम आ गए स्टॉल नंबर 709। मैम क्या क्या चीजें आपके पास? हमारे पास आप कहाँ से आए हो? हिसार से। अच्छा, लेके जाते हैं पुराने सिक्के भी? अच्छा, और ये सारा ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है। और ये चीज क्या है?
तो आपने बताया कि पुराने कॉइन से सारे। ये भी पुराने कॉइन ही है लेकिन इसके अंदर हमने पैक किए हुए हैं ताकि डिस्प्ले के लिए और घर में रखने के लिए बेस्ट है, और एजुकेशनली पर्पज भी कोई खरीदे तो ना तो वो इजिली उसको देख सके कि भाई क्या क्या लिखा हुआ कौन कौन सा छपा है। ठीक है, ये तो आज़ादी के बाद का पूरा हमने सेट बना रखा है। अच्छा, ये अगला ये है ब्रिटिश काल, जो हमारा ब्रिटिश काल रहा ना उसके ये सिक्के दिखा रहे हैं। ओके, और एक ये तीसरा भी हमने बना रखा है, ये कोड़ी से लेके एक रुपए तक की पूरी हिस्ट्री, ये कोड़ी से लेके एक रुपए पूरी सीरीज तैयार कर रखी है आपने। हाँ, पूरी सीरीज तैयार कर रखी ताकि मतलब लेने वाला भी आराम से इनको ले सके और एजुकेशन ये है कि ढूंढना नहीं पड़ेगा और कुछ नहीं है। हाँ, और संभालना हो तो बिल्कुल इजीली आप रख सकते हो घर में। बिल्कुल बिल्कुल।